चक्कू दिखाइए एक बार, और भी ये चक्कू ले रहा यू हमारा स्टाफ वाला ने मारा था ड्यूटी सेक्शन के अंदर ही। नाम नोट कर ग्रुप में पाते इसकी सारी फेसबुक पर डाल दो इसकी मिलगी। इस बदमाश से बच करो भाई, असल में बता रहा हूँ किस तरह बताओ। ओले काम इसका तो भी एगा। कैथल के बस स्टैंड पर बीती शाम एक कर्मचारी के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। अगर कर्मचारी ना होते तो शायद अंबाला में हुई रोडवेज कर्मचारी वाली घटना कैथल में भी घट सकती थी, लेकिन ये तो गरिमत रही कि मौके पर अन्य कर्मचारी पहुंच गए और वारदात को होने से बचा लिया। बता दें कि कैथल के बस स्टैंड की ये घटना है जहाँ कैथल के एक गाँव में बस को जाना था लेकिन निर्धारित समय से 10 मिनट लेट हो गई, जिससे कुछ युवती और एक युवक कर्मचारियों के ड्यूटी रूम तक पहुंच गए और बस के बारे में पूछने लगे। और कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि 10 मिनट में बस आ रही है, लेकिन युवक द्वारा एक न सुनी और कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करने लगा और चाकू दिखाकर धमकाने लगा। लेकिन यह तो गरिमत रही कि मौके पर झगड़ा देख कर्मचारी पहुंच गए और उस युवक को पकड़ लिया, अन्यथा बड़ी वारदात भी हो सकती थी। मौके पर डायल 112 को बुलाया गया और कैथल के सिविल लाइन थाने में युवक को ले जाया गया। फिलहाल मामले की कर्मचारियों द्वारा शिकायत दी गई है और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा करता है, आखिर क्या कर रहा था उस युवक के पास तेज धार चाकू? क्या और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था या और किसी वारदात को अंजाम देकर आया था? आखिर ऐसे चाकू उसके पास क्यों था? लेकिन अभी पुलिस गहनता से जांच कर रही है, स्थिति स्पष्ट जांच के बाद होगी। लेकिन फिलहाल युवक को सिविल लाइन थाने में ले जाया गया है और जांच चल रही है। जोगिंदर सिंह, क्या पूरा मामला था? मामला ये था जी, गाड़ी 5-7 मिनट नोच की लेट हो रही थी। वो लड़की आएगी, मैं बोले बेटे इतने चलो गाड़ी भेज रहे हम ले ले। यू आया और ड्यूटी एक्शन में आ गए, बोलिया गाड़ी क्यों नहीं भेज रहे? मैं बोलिया भाई भेज रहे हैं, 5-7 मिनट का कोई नहीं, गाड़ी लेट सेट हो जाए। ये है कि तेरी ऐसी की तैसी न्यू करके, मैं बोलिया भाई कोई बात नहीं, जरा हाथ जोड़े बहुत करे गेट पे आके चक्कू काट गया, बोलिया ये घिसो दूंगा। अच्छा, अल्ले ये मामला था जो फिर हमारे 5-4 कर्मचारी ने ये पकड़िया, फिर भी वो करके फिर हमने ये पुलिस के हवाले किया। पुलिस मौके पर बुलाई थी, ये होमगार्ड वाले थे, फिर 112 डायल कर दिया था, वो मौके पर आ गए। पुलिस ले गई थी, मौके पे चाकू मिला सारा, वो वारदात थी। जब मैं बाहर होता गेट से बाहर वर्कशॉप से, मेरे ये चाकू जरूर मारता। हाँ, शिकायत पुलिस में शिकायत दी हुई है, लले सारा वो करना है। राम प्रसन्न पद क्या जी? ड्यूटी इंस्पेक्टर। क्या पूरा मामला था ये? बस ये 4:10 वहाँ नौ जानी थी गाड़ी और वो 5 मिनट लेट थी। वो अंदर आ गए, उनको बोल दिया अभी यहाँ 5 मिनट में गाड़ी दे देंगे, और वो लड़कियां थी वो तो चली गई थी। दोबारा फिर वो लड़के आए, लड़के में उनमें एक आया, अंधे उन्हें चक्कू दिखाया और मेरे कर्मचारी पे जोगिंदर सिंह पे हमला कराया। लेकिन यहाँ कई कर्मचारी होने के बीच में वो बचाव किया, वो पकड़ लिया गया, उसके बाद 112 बुला ली और उसको थाने में दे दिया गया। मामला ऐसा है, हमारी एक नौच बस जाती है लगभग 4:15 के आसपास, वो गाड़ी रूट पे गई हुई थी, दूसरे रूट पे गई हुई थी, किसी कारणवश वो लगभग 10 मिनट लेट हो गई थी। कुछ लड़कियां और एक लड़का था उनके साथ, वो कार्य शाखा में पूछने के लिए आए गए हमारी गाड़ी का। वहाँ भी वहाँ कार्यरत जो स्टाफ था उसके द्वारा उनको बताया गया कि 5-10 मिनट में आपकी गाड़ी काउंटर पर आ रही है, आप जाइए। वो लड़कियाँ चले गई, वो लड़का यहीं ड्यूटी सेक्शन वालों के साथ थोड़ा सा बदतमीजी से बोलने लगा। तो उन्होंने मेरे को बताया भी, या उसको कहा भी आप चले जाओ, लेकिन वो जाता जाता भी गाड़ी ग्लोच करने लगा। फिर भी हमने कहा भी आप चले जाओ, लेकिन वो तैश में आ गया और कहने लगा भी मैं देख लूंगा। वहाँ उसके वहाँ कार्यरत कुछ स्टाफ था, कुछ और जो स्टाफ ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, उन्होंने उसको पकड़ा, तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। उसने मारने की भी कोशिश करी तो वो पकड़ लिया चाकू, किसी को मारने लगा। 112 डायल करके 112 बुलाई और पुलिस को उसकी कार्रवाई के लिए लिखेंगे, जो भी कार्रवाई बनेगी वो पुलिस। हाँ बिल्कुल, मौके पर पुलिस पहुंची। हाँ बिल्कुल, शिकायत थाने में दे दी और जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी।